फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं 3 जून 2018 का राशिफल। ये राशिफल आज मैंने लग्न के आधार पर बनाया है, क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने ये मुझे बोला है कि मैं राशिफल, तो स्पेशली इसको राशिफल बोलना भी गलत होगा, हमें ऐसे बोलना चाहिए कि 3 जून का लग्नफल। तो लग्नफल मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये आपके लग्न मेष से लेके जो मीन लग्न है उस पर आधारित है। राशि वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो परिणाम की जो सार्थकता है वो लग्न के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आइए, पहले उससे पहले मैं आपको पंचांग बता देती हूँ। 3 जून है तारीख और पंचमी तिथि है और ये सूर्योदय कालीन मैं आपको बता रही हूँ और वार रविवार है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, ब्रह्म नामक योग है और कौलव नामक करण है और चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में संचार करेंगे। तो ये तो था पंचांग। और इस समय एक और चीज है कि आपको दान जाप वगैरह भी इस अवधि में करना चाहिए, तो ये भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। अब मैं आरंभ करती हूँ आपका लग्नफल, जिसको मैं प्रारंभ करती हूँ मेष लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए जो दिन है वो पिता की सेवा में व्यतीत होगा। पिता की सलाह मशवरा से कोई बिजनेस की रूपरेखा बनाएंगे, शिक्षा की कोई रूपरेखा बनाएंगे, कहीं एडमिशन इत्यादि की बातचीत हो सकती है, जिसमें कि पिता का बहुत ही सकारात्मक रोल आपको दिखाई पड़ेगा। उनके मार्गदर्शन में काम करें तो आप अधिक सफल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई नई नौकरी वगैरह के बारे में कोई ज्वाइनिंग हो सकती है, कोई ऑफर आ सकते हैं या कहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो कल का दिन इसके लिए बहुत उपयोगी है, ये कार्य आप कल कर सकते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के लिए भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य के द्वारा कोई ना कोई रुका हुआ काम होगा और रिश्तेदारों का आगमन होगा और कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आगे के लिए आपके मददगार साबित होंगे। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए उच्च शिक्षा के बहुत ही सुनहरे मौके बन रहे हैं। उच्च शिक्षा का कहीं भी मौका मिलता है तो उसको हाथ से ना जाने देवें। उच्च शिक्षा के लिए जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़ सकता है, तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का जो समय है वो अपने प्रेमी जन के साथ बीतेगा। जो लव वन है उनका आपस में मिलना जुलना होगा, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का साथ मिलेगा। पति पत्नी का जो दाम्पत्य सुख है वो थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, लेकिन उसके बाद अंततः सुखद परिणाम रहेगा। एक दूसरे को उसके साथ समय बिताना पसंद करेंगे, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए शत्रु बाधा निवारण होगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब तक जो आपसे शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे, आगे बढ़ के वो आपसे माफी मांगेंगे और आपसे सुलह करने का प्रयास करेंगे। कन्या लग्न के लिए जो समय है वो उपयोगी बना है और संतान संबंधी चिंता का निवारण होगा। संतान संबंधी जो भी समस्या काफी दिन से आपको खाए जा रही थी उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तुला लग्न वाले मकान के निर्माण में कुछ खर्चा इत्यादि हो सकता है, नया कोई मकान खरीदने का योग बन रहा हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट का योग बन रहा हो, ऐसे में कहीं विजिट वगैरह भी करेंगे और परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वाले जो खिलाड़ी वर्ग है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे और मौज शौक में ही पूरा दिन व्यतीत होगा। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। धनु लग्न वालों के लिए दिन अच्छा है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, किसी को कटु वचन ना बोले जिसकी वजह से आपकी बदनामी या कहीं अपयश हो जाए, तो इसलिए आप ऐसा ना करें और प्रातःकाल सूर्यदेव की उपासना कर लें तो ये नकारात्मकता का निवारण प्रातःकाल ही हो जाएगा और आपको आगे के लिए कोई दिशा मिलेगी। मकर लग्न वालों के लिए दिन अच्छा बना है और कोई ना कोई ऐसा आपको मौका मिलेगा जिसमें कि आपके कोई आगे के लिए कुछ रास्ता निकलेगा, कि आप कुछ अर्निंग सोर्स भी आपके आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी रास्ता मिलेगा और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो काफी समय से डूबी हुई थी उस प्रॉपर्टी का मिलने का बहुत ही प्रबल योग बन रहा है, तो इसमें आप लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ लग्न वालों के लिए जो टाइम है वो काफी अच्छा बना है और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे और कुल मिला के दिन आपका सही रहेगा। मीन लग्न वालों के लिए राज्य पक्ष से लाभ होगा,
एंगेजमेंट की कहीं डिसाइड हो सकता है, लड़का लड़की देखने की प्रक्रिया चालू रहेगी, वैसा कहीं संबंध भी तय हो सकता है, और ये प्रक्रिया कल जो काम करेंगे वो आगे के लिए बहुत ही बेटर साबित होगी आपके लिए। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस दिन का आप सदुपयोग कीजिए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।